दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हम घुटने का एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा और करना चाहिए ताकि हमारे थाई मसल्स एंड काफ मसल्स में मजबूती आए। वैसे व्यक्ति जो 30 क्रॉस किए हैं, जिनका एज 30 से ज्यादा हुआ है और उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, या 40 से ऊपर बढ़े हैं और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया है, घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है, तो वैसे व्यक्ति को मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है। आपको इस ध्यान से जब भी फुर्सत हो 1-1.5 घंटा का समय निकाल कर, उसमें लगभग 20 एक्सरसाइज है, आप उसे देख लें, उसके अनुसार आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दो एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हम अपने थाई मसल्स को और काफ मसल्स को और घुटने में मजबूती ला सकते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके घुटने के एक्सरसाइज करने के दौरान आपको इन एक्टिविटी पर भी ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। दोस्तों छोटा छोटा एक्टिविटी अगर हम कर लेते हैं तो हमें हमारे घुटने में मजबूती आती है। हमें 30 वर्ष से ऊपर हुए हैं, 40 वर्ष से ऊपर हुए हैं, घुटने में कमजोरी आई है जिस कारण उसमें दर्द होना शुरू हो गया, हमारा बॉडी वेट बढ़ा हुआ रह रहा है जिस कारण उसमें गैप की कमी आ गई है। सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के रूप में डाल दिया है, आप एक ध्यान से उसे देख सकते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं 30 दिन के लिए या 45 दिन के लिए या 60 दिन के लिए नहीं है, तो कुछ एक्टिविटी जो आपको नहीं करनी है उसके बारे में बताएंगे। एक दो एक्टिविटी ऐसा बताएंगे जिससे आपको थाई मसल्स और काफ मसल्स में मजबूती आएगी, साथ ही साथ आपको घुटने में भी काफी मजबूती आएगी। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे और इसका उपयोग करके लाभ उठाएंगे। दोस्तों जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस दौरान कुछ चीजें, जैसे कि मेरा पिछले वीडियो में बताया गया है कि आपको कभी भी जैसे सोफा पर बैठे हैं तो पैर ऊपर रखें तो दूसरा पैर इस पे रखें। दोस्तों यह बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल हम इसको बैन करते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान, ना इस तरह से बैठें और ना ही इस पैर को इस पे रख के बैठें, बिल्कुल इस तरह से नहीं बैठना। दूसरी बात, जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो हमें क्या होता है, जब हम ऑफिस के चेयर पे बैठते हैं या फिर घर में किसी चेयर पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो वहां पर उस चेयर पर भी बैठते हैं तो हमारा रहता है पोजीशन ये, हमारा दोनों पैर जो है घुटने से अंदर रहता है, उस चीज को अवॉइड करना है। यानी कि हम जब भी बैठें तो हमारा पैर, मेरा पैर जब भी हो तो घुटने जहां तक, जिस एरिया तक है उस एरिया से आगे पैर रहे, मेरा पांव बिल्कुल आगे रहे, कभी भी ये पीछे नहीं जाएगा और उस स्थिति में हम ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे। तीसरा जो है वह है, हम लोग को बहुत आदत होता है आलती पालती मार कर बैठना, यानी कि क्रॉस लेग करके बैठना। क्रॉस लेग करने करके बैठने से भी हमारे एक्सरसाइज किए गए, जितना भी आप एक्सरसाइज किए हैं उसका सभी का जो फायदा था वह तुरंत खत्म हो जाता है जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं। बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है कि जब भी नीचे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं तो इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठते हैं, यह बिल्कुल अवॉइड करना है, क्रॉस लेग करके बिल्कुल नहीं बैठना है, तब तक ना बैठें जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो। दोस्तों 30 से 45 दिन तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो 100% मुमकिन है कि आपका घुटने का दर्द तो ठीक होगा ही होगा और साथ में आपका मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। दो एक्सरसाइज या दो एक्टिविटी ऐसी है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, यह आप अपने एक्सरसाइज में जरूर जोड़ लें ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले दिनों में भी वह चीज, घुटने का दर्द कभी ना हो, इसलिए यह दोनों व्यायाम, यह दोनों एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। पहला एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला एक्सरसाइज इसमें जो करने के लिए हम बता रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना है हमें अपने, दोस्तों पहला इसमें एक्सरसाइज जो करना है वह कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना। आप घर में जब भी चलते हैं एक्सरसाइज तो आप जनरली जो एक शेड्यूल से करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन जब घर में आप कोई काम करने लगते हैं तो उस दौरान आपको जब भी चलना है तो कोशिश यह रहे कि आपको अपने चौवा पे चलना है। कोशिश रहे कि जब भी हम घर में चलें तो कम से कम 100 कदम 200 कदम जरूर इस चौवा पे चलें।
आप देख रहे होंगे मेरा एडी बिल्कुल ऊपर हो चुका है और मैं सिर्फ चौवा पे खड़ा हूँ। थोड़ा सा अनबैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं चौवा पर भी अगर 100 कदम, 40 कदम, 50 कदम पर डे अगर चलते हैं, यह कुछ बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जब आप चौवा पर 100 कदम भी अगर घर में चल लेते हैं तो यह मेरा एक्टिविटी कंप्लीट होता है और हमें हमारे काफ मसल्स और थाई मसल्स में इसमें भी मजबूती आती है अपने पैरों पे चलने से। दूसरा दोस्तों, इसमें दूसरा जो एक्टिविटी है वह यह है कि हम थोड़ा सा कम से कम 10 बार या 5 बार ही सही, शुरुआत में आपको 5 बार जरूर यह पोजिशन में कुछ देर के लिए रहना है, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रहना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। जिस पोजिशन में मैं रह रहा हूं, जैसे आप कुर्सी पर बैठने जाते हैं या सोफा पे बैठने जाते हैं, तो बैठने के दौरान हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से पीछे पकड़ते हैं उसके बाद बैठते हैं। हमें दोनों हाथ से पकड़ना नहीं है, जितना दूर पे हम बैठते हैं थोड़ा सा ऊपर रहना है, जितना दूर पे हम बैठते हैं उस जगह पे बैठना नहीं है, सिर्फ हमें इस तरह से करना है। हम अपने हाथ को आगे फैला लेंगे, मैं नीचे बैठा नहीं हूं, मैं हाथ को आगे फैला लेंगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना सेकंड रह सके रहे, और फिर धीरे धीरे ऊपर हो जाना है। एक दो बार अगर ऐसा कर लेते हैं उसके बाद सपोज दैट कि यह नहीं काम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक कुर्सी को ले लेंगे, कुर्सी को हम ले लेंगे, कुर्सी को हम पकड़ लेंगे बिल्कुल, उसके बाद हम बैठने की कोशिश करेंगे। बैठने कोशिश करेंगे, नीचे तो बैठ नहीं पाएंगे, फिर धीरे धीरे हम उठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर बैठेंगे, जितना देर रह सके रहेंगे, सहेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। दोस्तों यह दोनों व्यायाम भी अपने एक्सरसाइज में जोड़ लेना है। अगर आप बिना कुछ पकड़े हुए, बिना कुर्सी का सहायता लिए हुए इस पोजीशन में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस पोजीशन में बैठने के लिए आपको सहायता लेने की जरूरत है तो आप कुर्सी हो, टेबल हो या फिर कोई सोफा का ऊंचा वाला हो, उस जगह पे भी रख के, हाथ रख के आप अपना बैलेंस बना करके आप अपने घुटने पे थोड़ा सा स्ट्रेच दे सकते हैं, जिससे आपका घुटना बिल्कुल मजबूत होगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों अगर आप भी अपना एक्सरे, अपना रिपोर्ट हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप वहां फॉलो करके आप अपना एक्सरे, अपना रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।